गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हमारा चैप्टर है फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्रीज के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वर्कर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस फैक्ट्री एक्ट में। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया। देखिए, क्या था कि 1881 से पहले गवर्नमेंट का कोई ख़ास इंटरफेरेंस नहीं था फैक्ट्रीज़ में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी। गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, इनफैक्ट रोल था ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो भी एक्टिविटीज़ या प्रोविजंस वहाँ फॉलो किए जाते हैं वो सब ओके हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के लॉ की, कानून की ज़रूरत ज़रूर होती है, राइट? ताकि एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके, एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो 1881 से पहले तो ऐसा कोई रूल ही नहीं था, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। फैक्ट्रीज चलाने वाले ओनर के हाथ में था कि वो किस तरीके से वर्कर को रखता है, उनसे काम लेता है, उनको उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, उनके हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, लेडीज़ या जो भी अगर वहाँ पे कोई भी यंग पर्सन्स काम करते हैं, एडल्ट जो काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, ये उनके ऊपर था। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सरकमस्टांसेस जो हैं, जब चेंज होते हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर से, चाहे वो देश के अंदर ही कुछ हालात बदले या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसका असर ऑब्वियसली देश में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ये असर देखने को मिला और 1881 में एक लॉ बनाया गया, ठीक है, लेबर से रिलेटेड, ठीक है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड या फैक्ट्रीज़ में जो भी काम काज होता है उससे रिलेटेड। हालांकि इस लॉ में आप देख सकते हैं कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, मतलब संशोधन हुए हैं, और फाइनली जो है 1948 में एक एक्ट पास हुआ फैक्ट्री एक्ट के नाम से। और हालांकि हम कह सकते हैं कि इसका जो शुरुआत थी वो हमारी 1881 से ही थी। हम ये नहीं भूल सकते कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि ओरिजिन हमें बहुत ज़रूर याद रहना चाहिए, उसकी रूट्स हमें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि उसमें बहुत बार संशोधन किए गए हैं, ऑब्वियसली कुछ भी हालात जब चेंज होते हैं, सरकमस्टांसेस जब चेंज होते हैं, तो हमें भी अपने लॉज में, अपने कानूनों में उसके अकॉर्डिंगली परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट 1948 बनकर सामने आया। फैक्ट्री एक्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं, जैसे किस तरीके से फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, फैक्ट्रीज का अप्रूवल, उनकी लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ के प्रोविजंस वहाँ पे, सेफ्टी के प्रोविजंस, और फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बल्कि एक इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्टर्स करते हैं, सर्जन्स जो वहाँ पर हेल्थ इश्यूज को चेक करते हैं, और वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, वेलफेयर के क्या प्रोविजंस हैं, ऑफेंसेस किस टाइप के अगर किए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ वर्कर्स काम करते हैं या स्पेशली जो एम्प्लॉयर है, अगर वो कुछ इस तरीके का क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो पेनल्टीज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली हम देखने वाले हैं बहुत सारे प्रोविजंस जो कि हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर कामकाज से रिलेटेड हैं। अब इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली फैक्ट्री एक्ट बनाने का जो मकसद था वो यही था कि किस तरीके से हम अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्शन हो, चाहे वो उसका एक्सप्लोइटेशन हो, कोई भी तरह का जो हमें हम उसे जो वो प्रोडक्शन डिज़र्व करता है, जो वो वर्किंग कंडीशन डिज़र्व करता है, वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ जो है एक लो क्लास पर्सन का एक्सप्लोइटेशन और उसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको उसके साथ, चाहे वो उसके साथ उसकी वर्किंग कंडीशंस की हम बात करें, उसकी हेल्थ की बात करें, उसके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं फिर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इंश्योर करना ही इस एक्ट का मकसद है।
और वर्किंग कंडीशन की बात तो हो ही गई है, उनकी सेफ्टी मेजर्स की बात हो गई है, उनके प्रोटेक्शन की बात हो गई है, ठीक है। तो एक तरीके से इन चीज़ों को ही फोकस करने के लिए हमने ये एक्ट जो है बनाया। तो ये आप देख सकते हो, जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है जहाँ पर वो फैक्ट्री लगाई जाती है, तो वहाँ लोकल गवर्नमेंट के हाथ में एक पावर होती है कि वो उस फैक्ट्री को लगाने से पहले के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि लाइसेंसिंग देने से पहले और लाइसेंस देने से पहले, उनको अप्रूवल देने से पहले इन बातों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंस्पेक्शन का जो प्रोविज़न है वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। स्कोप एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो एक्ट जो हमारा पास हुआ था ये 28 अगस्त 1948 में, और अप्रैल 1949 में ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, राइट, और हर तरह की फैक्ट्री पे लागू होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड है, या फिर प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। और जो भी फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस हैं वो हर उस पर्सन पे लागू होते हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्कर माना जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरप्रटेशन ऑफ वर्ड्स एंड डेफिनेशन। तो ये यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर एक बार हम इनको ज़रूर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि सारे चैप्टर में हम लोग फिर इन वर्ड्स को जब देखेंगे तो हमें ये फेमिलियर लगने वाले हैं, इसलिए हमें इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जैसे हम एडल्ट की बात करें तो हम सब जानते हैं एडल्ट का मतलब यहाँ पर जिसने 18 ईयर्स कम्प्लीट कर लिए है, तो एडल्ट 18 ईयर्स से नीचे के पर्सन को हम माइनर कह सकते हैं। एडोलसेंट का मतलब होता है जिस पर्सन ने 15 ईयर तो कंप्लीट कर लिए हैं पर 18 का नहीं हुआ है, वो एडोलसेंट कहलाएगा। चाइल्ड की मैं बात करूं तो चाइल्ड का मतलब होता है जिसने 15 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया, यानी 15 साल से कम उम्र के आप बच्चा ही कहेंगे उसको, उसे हम चाइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए एडल्ट के लिए प्रोविज़न अलग है, एडोलसेंट के लिए और चाइल्ड के लिए अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नाउ तो कम्पिटेंट पर्सन क्या है? कम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है कि वो पर्सन जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं, या जो उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, अगर उनका एग्जामिन करना पड़े, उनको उनके टेस्ट करने पड़े, उनका इंस्पेक्शन करना पड़े, तो क्या वो लोग जो ये काम करने वाले हैं, मतलब जो एग्जामिन करने वाले हैं, क्या वो इतने कम्पिटेंट हैं? तो हर उस पर्सन को उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेस्ट करने की, एग्जामिन करने की, इंस्पेक्शन करने की। तो ऑब्वियसली उनकी कुछ क्वालिफिकेशन के आधार पर हम कुछ पर्सन्स को कम्पिटेंट पर्सन का नाम देते हैं। अब ये कौन करता है? ऑब्वियसली ये जो भी गवर्नमेंट है या जो भी चीफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो इन पर्सन्स को या पर्टिकुलर पर्सन को कम्पिटेंट पर्सन की कैटेगरी में रखता है। और एक से ज़्यादा भी, एक फैक्ट्री के लिए एक से ज़्यादा भी कम्पिटेंट पर्सन हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ यंग पर्सन। तो यंग पर्सन का मतलब यहाँ पर हमारे एडोलसेंट भी हैं और चाइल्ड भी कह सकते हो आप, ठीक है। वैसे एडल्ट का मतलब तो यहाँ पर 18 ईयर से ऊपर का है, 18 या 18 से ऊपर के लोगों को कहेंगे हम एडल्ट। एडोलसेंट और जो चिल्ड्रन है, एडोलसेंट का मतलब 15 ईयर्स और 18 के बीच का, चिल्ड्रन में लेस देन 15 ईयर्स, तो इन्हें हम एडोलसेंट और चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे, यंग पर्सन कह सकते हैं। डे की मैं बात करूँ तो डे का मतलब यहाँ पर 24 आवर्स का टाइम है, लेकिन मिडनाइट से जो स्टार्ट होता है दैट इज़ डे, राइट। तो डे का मतलब यहाँ पर मिडनाइट से स्टार्ट होने से लेकर 24 आवर्स का जो टाइम होता है दैट विल बी इंक्लूडेड इन अ डे। वीक का मतलब 7 डेज़ हैं, स्टार्ट कब से होंगे, सैटरडे मिडनाइट से जो स्टार्ट होंगे 7 डेज़, वो हमारा वीक कहलाएगा। और कैलेंडर ईयर का मतलब यहाँ पर 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाले 365 दिन के टाइम को हम कैलेंडर ईयर कहेंगे। पावर की मैं बात करूँ, हाँ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े से नए लगने वाले हैं। पावर का मतलब होता है एनर्जी का वो फॉर्म जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मैनुअल या एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी में, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको हम पावर कह सकते हैं। प्राइम मूवर की हम बात करें, प्राइम मूवर का मतलब जैसे यहाँ पर जो पावर जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल इंजन है, ठीक है। तो इंजन क्या करता है, इंजन में एक
ताकत होती है जो वो व्हील्स को प्रोवाइड करता है। और जो इंजन, अब आप एक गाड़ी की अगर हम एग्जांपल लें तो हम इंजन स्टार्ट करेंगे तभी गाड़ी जो है मूव करेगी, यानी कि उसके सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, उसका उसके पहिए चलने लग जाएंगे। तो ये कौन करता है, जो कर जिस जिस हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं उसे हम प्राइम मूवर कहेंगे। ऐसा पर्सन, ऐसा 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 ऑब्जेक्ट, ऐसा ऐसा पार्ट जो कि मूव करने में मेन भूमिका, या मूव करने में हेल्प करने में मेन भूमिका अदा कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मशीनरी। ट्रांसमिशन मशीनरी का मतलब ये है, एक देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन और एक है ट्रांसमिशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पर कि आपने किसी को मॉडिफाई कर देना, उसका रूप चेंज कर देना, उसको चेंज कर देना, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मशीनरी होती है जिसके ज़रिए प्राइम मूवर की एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे इंजन से जो भी एनर्जी है वो किस तरफ जा रही है, व्हील्स की तरफ जा रही है, तभी तो वो मूव कर रहे हैं ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट जैसे शाफ्ट है या ड्रम है, इस तरीके के अप्लाइंसेस हैं जो प्राइम मूवर से एनर्जी जिनको मिलती है। ठीक है, मशीनरी ऑब्वियसली सारे अप्लाइंसेस जो भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, चाहे आप इसमें प्राइम मूवर ले लो, चाहे आप ट्रांसमिशन मशीनरी ले लो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है कि आप किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, उसको मेकिंग, उसकी अल्टरिंग, अल्टरिंग का मतलब चेंज करना, फिनिशिंग, उसको फाइनल टच देना, जैसे जनरेट करना, कोई भी चीज़ क्रिएट करना, ट्रांसफॉर्म करना या फिर ट्रांसमिशन करना, प्रिंटिंग है हमारी, कंस्ट्रक्शन वर्क है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिपेयर वर्क है, ये सब हमारे किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। प्रिजर्व करना, स्टोर करना, ये भी हमारे क्या आते हैं, इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि जो है आप प्रोडक्शन ही करें, ज़रूरी नहीं है कि आप नए सिरे से कोई चीज़ बना रहे हैं। आप किसी पुरानी चीज़ को अगर मॉडिफाई करते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में हम कह सकते हैं। तो चेंज करना है और मॉडिफाई करना, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जैसे फिल्म को शूट करना। अब मान लीजिए कोई फिल्म बन रही है, कोई मूवी बन रही है, कोई सीरियल बन रहा है, दैट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग। पैकेट्स ऑफ स्वीट्स, कटिंग और ड्राइंग सुपारी, मेकिंग बीड़ीज, बीड़ी पीते थे जो लोग पहले भी, आज भी पीते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो जो स्मोक करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है उसको बनाना, घी की पैकिंग करना, मतलब ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है ना। आपके घर में कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो करते हो आप लोग, तो वो सब क्या है, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ही होके आया है, आई है। अब यहाँ पर वो सारी दुनिया भर की चीज़ें तो नहीं हम रख सकते, ये सिर्फ समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स को हमने ऐड कर रखा है। जैसे घी को पैक करना, अब आप कहोगे कि घी को पैक करना भी मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा उसका उसको फिनिशिंग दी है, उसको मॉडिफाई किया है, उसको उसको उसका उसको आपने पैक किया है, तो उसको एक तरीके से मार्केटेबल बनाया है, राइट। अब आप अगर कोई चीज़ बेचोगे तो बेचने से पहले वो बेचने लायक भी तो होनी चाहिए ना, राइट। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की पैकिंग ये भी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही हम इसमें का ही उसका पार्ट है। ठीक है, सॉल्ट बनाना सी वाटर से, देखिए ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। जूट बैग्स बनाना पैकिंग करें, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है। मशीनरी की रिपेयर भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं डालेंगे, जैसे बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें चुन लेना। अब मान लीजिए आपके पास सामने 10 आइटम है और आपको कहा जाए 2 आइटम चुनिए, आप 2 आइटम चुन लें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नेक्स्ट इज सोइंग ग्रेन्स, अनाज बोना आप कह सकते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप बीज है वो खेतों में आप डाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग, वो उसमें नहीं आता। ड्रॉइंग पोटैटो इन द सन, अब सन लाइट में अगर आप कोई भी चीज़ सुखा रहे हो, दैट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आते। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे और किसको नहीं। वर्कर की हम बात करते हैं, वर्कर के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए वर्कर कौन है, जो काम कर रहा है, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अभी नॉर्मली हम लोगों को ये हम ये समझते हैं
मैं अकॉर्डिंग टू एक्ट अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, एक लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि आम आदमी को ये पता है कि वर्कर वो है जो अपना काम कर रहा है और उसको उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं। पर देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि रेमुनरेशन हो या ना हो तब भी वर्कर कह सकते हो आप, ठीक है। प्रिंसिपल को पता हो या ना पता हो, उसकी इजाज़त के बगैर भी वर्कर को लगाया जा सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस से कनेक्टेड ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, ठीक है। तो वर्कर की डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वर्कर जो है एक तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, दूसरी बात वर्कर जो है वो डायरेक्टली या एजेंसी के थ्रू लगाया जा सकता है, तीसरा वर्कर को रेमुनरेशन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। ये थोड़ी नई बात आपको लग रही होगी। मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि जनरल रूल ये कहता है कि मास्टर और सर्वेंट का, मतलब एक स्वामी और नौकर का वाले जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होना ज़रूरी है, बट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट ज़रूरी नहीं है। अब मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हम कहाँ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है उसके बदले में अगर वो वेजेस ले रहा है तब हम कह सकते हैं कि हाँ मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है। लेकिन मान लीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, क्योंकि हमने तो अभी कहा ना कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर सकता है, तो क्या वो वर्कर नहीं है? बिल्कुल वो वर्कर हो सकता है, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो मास्टर सर्वेंट का नहीं होगा। यानी मास्टर सर्वेंट का रिलेशन का मतलब यहाँ पर वेजेस के साथ काम करने से है, ठीक है। अब वर्कर को फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो उसी पर्सन को हम वर्कर कहेंगे जिसका नाम मस्टर रोल पे होगा, उसका नाम मस्टर रोल पे होना चाहिए और बाकायदा एक एग्रीमेंट होगा, चाहे वो ओरली हो या रिटर्न में हो, तब जाकर हम उसको ये मानेंगे कि वो पर्सन वर्कर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप पॉइंट्स देख रहे हो, यहाँ पर ये बता रहा है कि किस किस को वर्कर कह सकते हो किसको नहीं, और को बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अजीब लगने वाली हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो वो कह रहा है कि वर्कर का जो कनेक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी जो है वो एक फैक्ट्री में सफाई का काम कर रहा है, अब वो डायरेक्टली कोई चीज़ बना नहीं रहा है लेकिन फैक्ट्री में ही सफाई का काम कर रहा है तो वो वर्कर कहलाएगा। वॉचमैन है वो, अगर फैक्ट्री में वॉचमैन का मतलब के तौर पर काम कर रहा है वो भी वर्कर कहलाएगा। तो कमाल की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो वर्कर कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में है बट वो वर्कर नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर एक ऑफिस में कोई क्लर्क है वो वर्कर नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफिस में जो काम कर रहा है क्लर्क के तौर पर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है तो वो वर्कर कहलाएगा, ठीक है। किसी भी ऑफिस का, नॉर्मल ऑफिस का क्लर्क है, सुपरवाइजर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, टीचर्स हैं, दे आर नॉट वर्कर्स, ठीक है। आर्मी में जो लोग काम करते हैं, पुलिस में जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स नहीं कहलाते, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, जैसे अब मैं एक एक करके जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो ये क्लीनिंग वाला मैंने आपको बता दिया, पॉइंट नंबर 2 मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर कोई वर्कर जो है प्रिंसिपल ऑन या ऑनर की नॉलेज के बगैर भी लगाया गया है, काम कर रहा है वो, तो भी वो वर्कर होगा। डिफेंस फोर्सेस आर्मी के हैं या पुलिस में लोग हैं वो वर्कर नहीं कहलाते। ए पर्सन जो है वो अगर अपने, अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है वो खुद अपने बिजनेस में जब काम करता है वो वर्कर नहीं कहलाता, वो तो ऑनर कहलाता है, ठीक है। हाँ अगर उसने अपने फैक्ट्री में कुछ लोगों को काम पर लगाया है तो वो वर्कर कहलाएंगे, ठीक है। कुछ कोर्ट के डिसीजन आए हैं बहुत बार, ऑब्वियसली आते ही रहते हैं, कई तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो कोर्ट डिसीजन देती है फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उन डिसीजन के ऊपर बेस्ड होकर भी हम ये बता सकते हैं कि किसको हम वर्कर कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक फर्म के जो पार्टनर हैं वो वर्कर नहीं कहलाते, ठीक है। सिमिलरली अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है उसको बेचना भी अपने आप में वो भी पर्सन एक वर्कर कहलाएगा। वर्कर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। स्पेशलिस्ट, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट पर्सन वो भी वर्कर कहलाएगा। एक सेल्समैन है वो वर्कर नहीं है। अब देखो नॉर्मल सेल्समैन वर्कर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है सेलिंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री वो वर्कर है, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किचन में अगर कोई भी पर्सन खाना बना रहा है लेकिन वो किचन कहाँ का है, घर का है या रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट का है, तो हम उस पर्सन को वर्कर कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे कोर्ट के वर्डिक्ट्स यानी कि डिसीजन आए हैं, उसमें आपको कई अच्छी और एक डिफरेंट बातें निकल कर सामने आएंगी आपके सामने। तो
तो आज हमने जिस वीडियो में क्या बात करी कि फैक्ट्री एक्ट के में क्या क्या इंक्लूडेड है, वर्कर किसे कहेंगे, फैक्ट्री किस और जो फैक्ट्री कुछ डेफिनेशंस थी वो भी हमने क्लियर की। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।